हेलो नायरा, जल्दी नीचे आ जाओ तैयार होके। हेलो अमर, सब ठीक तो है ना? हाँ, तुम नीचे आ जाओ और कार्तिक को भी लेती आना। जी मैम। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनानां विद्यो वृक्षे मामृता स्वाहा। यजमान जी, आप अपने श्रेष्ठ जन का पैर छू करके आशीर्वाद ले लें, अन्यथा यह पूजा पूर्ण रूप से संपन्न नहीं मानी जाएगी। आपको लग सकता है कि मैं स्वार्थी हूं, लेकिन सच क्या यह सिर्फ मैं ही जानता हूं, और उसे सिद्ध करने के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आफ्टर ऑल, अब मां तो हो ही ना। हम नहीं दे पाएंगे तुम्हें आशीर्वाद। ये आप क्या कर रही है दादी? प्लीज ऐसे मत कीजिए। हाँ दादी, प्लीज चाचू को आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं चाहिए मुझे आपका भीख में मिला हुआ आशीर्वाद। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे। भाई साहब, सॉरी मैं आपके परिवार के बीच में बोल रहा हूं, लेकिन मैं भी इसे अपना घर समझता हूं, इसलिए भाई साहब प्लीज एटलीस्ट आप इन्हें बता तो दीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। शायद इसके बाद वो आपको नहीं समर्थ। प्लीज, आई नो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नई कंपनी खोली है भाई साहब ने, इसके लिए हवन क्यों अखिलेश? क्या जरूरत है इसकी? क्या ये सब आखिर चल क्या रहा है? हमें लग रहा था शायद आप हमसे नाराज है, गुस्सा है, समझ जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, लेकिन आपको गलत लगा था आपको। मैंने किसी को धोखे में नहीं रखा था, साफ साफ कहा था सब कुछ। लेकिन अखिलेश, एनीवेज, वो नजरबंद तावीज आप मुझे दे सकते हैं मिस्टर गोयनका? पुरखों की निशानी है, जब भी कोई नया कारोबार शुरू होता है उसे मिलती है। बाबू जी के बाद आपको मिला, अब मुझे मिलना चाहिए, जबकि मैं एक नया कारोबार शुरू करने जा रहा हूं, है कि नहीं? बंद करो ये सब अखिलेश। बड़े भाई के हाथ से ताबीज उतारोगे, यहां हो गया है तुम्हें। बात बड़े छोटे की नहीं मां, रस्म की है, या फिर वो हक भी छीना चाहती हैं आप मुझसे?
आप क्यों उन्हें गलत समझ रहे चाचू? बातें भी मुझे ही सुनाई जा रही और गलत भी मैं ही समझ रहा हूँ। उनके कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था, वो बस इतना ही कहना चाहती है कि बात बहुत बड़ी है, मैं जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ। तावीज मिस्टर गोयनका। बताइए चाचू, आपको डर नहीं लग रहा? जो चीज आज आप कर रहे हैं वो कल को लवकुश के बीच हो तो? अगर कल वो दो भाई आपस में लड़ेंगे तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको जब उन दोनों के बीच में भी ऐसी दरार आएगी जैसे आप दोनों के बीच में आई? कैसा लगेगा आपको जब इतिहास खुद को दोहराएगा? अनफॉर्चुनेटली वो वक्त आ ही गया है कार्तिक, इतिहास खुद को दोहरा ही रहा है। ऐसा प्लीज, जहां हवन की अग्नि हो वहां कोई और ज्वाला शोभा नहीं देती भाई साहब। प्लीज अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। जगह पे होते ना तो समझते समर्थ नया कारोबार शुरू करने जा रहा हूं, और यहां पे किसी ने बधाई तो क्या आशीर्वाद तक नहीं दिया, उल्टा मूड खराब करके रख दिया। सुबह सुबह आप गलत कह रहे हैं चाचू, इस घर में सब आपसे प्यार करते हैं, सब आपको आगे बढ़ता हुआ दिखना चाहते हैं। दादी ने आपको आशीर्वाद दिए, पापा ने आपको अपना ताबीज निकाल के दे दी, और आप जानती हैं उनके लिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया सिर्फ आपके लिए। अगर पापा को हम में से कोई सबसे अच्छे से जानता है तो वो आप है चाचू। जब मैं पापा से नाराज रहता था, बात नहीं करता था उनसे, तब उनका नजरिया आपने दिखाया मुझे। जब नफरत करता था ना उनसे, तो मेरे मन में उनके लिए प्यार आपने भरा है। तो आज क्या हो गया, आज उसी प्यार पे शक क्यों है आपको? गुस्सा नाराजगी सब अपनी जगह है चाचू, लेकिन नफरत की जगह नहीं है आप दोनों के बीच, बिल्कुल नहीं। आप अकेले अपने बलबूते पे आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो ठीक है बढ़िए ना, कौन रोक रहा है आपको, लेकिन पीछे की राह में इतने गड्ढे भी मत खोद दीजिए कि आपका पीछे मुड़कर देखना या हमारा आप तक आना मुश्किल हो जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।